यूं करके ऊपर से शॉल ओढ़ देते थे जिससे कि ठंड वगैरह ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो पिछली बार मैंने ब्लॉग शूट किया था, वो आधा ही रह गया था, मैंने घर आके शूट ही नहीं किया। तो आज का मैं जो भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आज है संडे एंड आज तारीख है, आई थिंक 29 तारीख है आज। जो भी रूटीन रहेगा ना वो मैं शेयर करूँगी और बताऊँगी कि आज क्या क्या मैं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग शूट नहीं हुआ है। तो आज सुबह सुबह ना मम्मी कुछ बना रहे हैं, तो ये था कुछ बेसन के करेले बना रहे थे, न्यू रेसिपी है। तो मम्मी ने पता क्या किया है, इसमें ना बेसन लिया है, मतलब पहले करेलों को बॉईल किया, फिर बेसन मतलब पहले ड्राई वाले बेसन में डाला, फिर उसके बाद जो यहाँ पे एक बेसन का पेस्ट बनाया था जैसे कि पकौड़ों के लिए बनाते हैं ना, वही पेस्ट बनाया और उसको फिर तल दिया। चढ़ गया तो ये करेले की सब्जी भी बन चुकी है और कुछ नए तरीके से बनी है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, इससे कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं करेले। तो जी मैं आ गई हूँ अब ऊपर। ऊपर ना यहाँ पे गणेश सफाई वगैरह कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना फिर टाइले वगैरह का भी काम है, बहुत काम है, लेकिन अभी तक तो कुछ भी काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है। और नीचे निशु आया है जो कि बिजली वगैरह जोड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बिजली का कनेक्शन भी देना था, तो बहुत काम है यार घर पे। देख बाबा दादू फिश खा रहे बेटा, यहाँ देखो फिश खा रहे दादू। अब खाने का टाइम ही नहीं है, मतलब टाइम तो बहुत है लेकिन वीडियो में डालने के लिए कुछ नहीं है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही। लेकिन मैं बता देती हूँ, आज हम घर पे सफाई कर रहे हैं, इस साइड डैडी वगैरह में ना जो फूल थे जिनका मतलब बहुत फूल ना ऐसे दीवार से बाहर आ चुके थे, उनको निकाल दिया है। और मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ की सफाई की जाए, और आस्ते आस्ते आपको बहुत सारी सफाई देखने को ही मिलेगी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है और दूसरा ऐसे भी हमारे घर में छोटा मोटा एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेगमार्ग, ने यहाँ पे ना बहुत जमा हुआ था बहुत ही ज़्यादा, और आई थिंक बहुत टाइम हो चुका था ये। तो गाइज़ हमने यहाँ पे ना सारे गमले इधर को कर दिया, अभी यहाँ पे सफाई कर देते हैं। बड़े दिनों से सोच रही थी, लेकिन सोच रही थी अभी सोचा कर ही देते अब। नीचे जाने लगे हैं, अभी तक पहले भी ब्लॉग देखा मैंने, उसमें देखा होगा कि यहाँ पे पहले दीवार नहीं थी, अभी कल ही बनी है, तो इसलिए अभी इसमें पानी दे देते हैं। तो गाइस अभी मैंने स्टोर आई थी, स्टोर में थोड़ा सामान देख रही थी, ये देखो लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपको ये दिखाया हुआ है, धुड़ूस बोलते हैं ठीक इसको, तो अभी ये यूज़ ही नहीं किया एक बार भी, लेकिन ये पूजा के लिए यहाँ पर आप दिया वगैरह भी जला सकते हो। नहीं एक चीज़ दिखी मेरे को यार, शायद पहले मैंने ब्लॉग में दिखाया है, पहले के टाइम पे ना इसमें अंगारे रख के ले जाते थे जैसे आग सेकने के लिए ना, जैसे अंगारे लेते थे ये ऐसे उठाते थे इसको यूं करके, और ऊपर से शॉल ओढ़ देते थे जिससे कि ठंड वगैरह ना लगे। देखो पहले भी कितना बंदा टैलेंटेड था। गाइज अभी जा रही हूँ मैं खेत की तरफ, यहाँ देख सकते हो घास पूरा काट दिया है यहाँ तक ऊपर तक, मैंने सोचा थोड़ा सा घास काट लेती हूँ। असल में बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन ना हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी काम करने की, अभी देखती हूँ अगर लगा कि मेरे बस में है तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज ऐसे वापस आ जाऊँगी।
ना ये काटा अभी तक मैंने, और कसम से अपने बस की नहीं है। छाँव छाँव में कर सकते सिर्फ काम, अदरवाइज अपने बस की तो नहीं लग रही मुझे। बट फिर भी चलो यहाँ से सोच रही हूँ इस पेड़ की बराबर तक काट लेती हूँ। बस तो गाइस इतना ही काटा मैंने, जैसे ड्रम से यहाँ से शुरू किया था मैंने, तो वहाँ तक काटा सर। गाइस यहाँ देखो हमारे खेत में खीरे लगे हैं, वो सारे खीरे पक चुके हैं। यहाँ देखो लाल ही हो गया है। सो गाइस अभी ये देखिए खीरे, फिर मैंने अभी भी यहाँ से निकाले, बहुत सारे खीरे हुए हैं और आधे से ज़्यादा खीरे ना पेड़ में ही पक चुके हैं। और अभी मैं घर जा रही हूँ, मम्मी बुला रहे हैं। मम्मी को ना स्ट्रेस हो जाता है जब मैं काम करती हूँ, मम्मी मेरी काम नहीं देती करने मेरे को, इसलिए गाइस मैं काम नहीं करती हूँ। सो ये रीज़न है मेरे काम ना करने का। और अभी मैं खीरे लेके वापस जा रही हूँ। देखो हाँ है तो है, देखो जूम करके, वाह तारा ही लग रहा भाई। तो यहाँ पे ना मम्मी और सौरभ जुड़गत देख रहे हैं, तो सौरभ जुड़गत देख रहे हैं और मम्मी शादी वाला देख रहे हैं कि मतलब कोई एक्सपायर हुआ था नॉन में, तो उनका देख रही थी वो हमारे मतलब घर पे आए थे कि नहीं आए थे, तो उसी वेज पे ऐसे यहाँ पे जाते हैं वापस। गाइस ये सूप बनाया डैडी बहुत ही टेस्टी सूप बनाते हैं, तो आज हम इसको, मैं तो इसको पीने वाली हूँ। शायद पता नहीं किसी किसने पिया, बट मैंने नहीं पिया अभी तक, तो मैं तो पीने वाली हूँ। क्या है ये? क्या है ये? रसमलाई जो कि आप नहीं खाओगे। गाइस अभी मैं बगीचे की तरफ आई हूँ, नेक्स्ट डे आई है मतलब कि नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी, लोग बहुत मेहनत करते हैं ना वीडियोस बनाने में, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अच्छे तो वीडियो बना रहे हैं। बट मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप सक्सेस पाते हो ना इस लाइफ में, तो आपको बहुत पैसा है आपकी लाइफ में, तो आपको ये देख के नहीं करना है काम कि पैसा आएगा, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। कभी ना कभी ज़िंदगी में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वैसे भी बोलते हैं ना क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, ज़्यादा नहीं तो आपको ज़िंदगी में आपकी तजुर्बा ही होगा, तो आप बस वही कीजिए। और जब आप यही सोचोगे ना, तब तक आपका मन और होगा कि नहीं ट्राई कर लेते हैं, तो आप सीख ही लोगे। ज़्यादा कुछ नहीं तो सीख तो कुछ ना कुछ लोगे ना। अभी मैं घास काटने आई हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मक्की वगैरह भी है, तो सेब सीज़न, नाशपाती सीज़न सब कुछ ख़त्म हो गया, सारे सीज़न ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि प्लम सीज़न भी। तो पीछे पर एक घास काट रहे हैं, तो ये 3 दिन का ब्लॉग आप एक साथ ही देखोगे। तो गाइस दिन को इतनी गर्मी थी कि वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हमने जो साफ़ किया था मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है गमले वगैरह हमने बढ़िया से लगा दिया। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर। लगा के बढ़िया से।